many, many happy returns of the day. Thank you, Mr. Menon. Aye. Thank you. Congratulations. Are you my photographer? Steady. Hi, Rajiv. Hi, Vishal. अरे मेरे यार, नमस्ते। शादी की 25वीं सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। शुक्रिया मेरे यार, शुक्रिया भाभी जी, कंग्रेचुलेशन। थैंक यू। अरे यार, तेरा बेटा कहाँ है? हमारे हीरो कहाँ है? अरे मत पूछ यार, रोशनी, जगमगाहट, खूबसूरत चेहरे, इन्हीं सब में गिरा रहता है वो। हमें मुलाकात करने के लिए डेट लेनी पड़ती है उसकी। ऊटी में शूटिंग कर रहा है। राजीव साहब, किस स्टार के बारे में बात हो रही है? अरे इनका बेटा बहुत बड़ा एड फिल्म मेकर है। अरे तो हमें भी कोई एडवर्ट दिलवाइए ना। हाँ, क्यों नहीं, ऑफ कोर्स। आजकल तो एड में भी तंदुरुस्त औरतों की बहुत जरूरत पड़ती है। कहाँ थे तुम लोग? लेट लतीफ कहीं के? हम इसकी वजह से लेट हो गए। चिपट, लड़कियों की तरह तैयार होता है। सॉरी यार, देखो आज तुम्हारे पेरेंट्स की 25th एनिवर्सरी है, राइट? लेकिन तुम अगर मेरा साथ दो तो हम गोल्डन जुबली तक यूं पहुंच जाएंगे। आपकी इस हसरत में कम से कम आपका ये जन्म तो आराम से निकल जाएगा। चलो मम्मी डैडी से मिलो। चुप मामा। अरे हेलो। ओ हेलो। गोल्डन कपल को सिल्वर जुबली बहुत बहुत मुबारक। विशाली दीदी नहीं? अब उनकी तो बात भी मत करो। अभी तक उन्होंने मम्मी पापा को फोन करके विश तक नहीं किया। अरे क्यों परेशान हो रही हो बेटा? यहाँ पे शाम हो गई है लेकिन वहाँ के तो सुबह के 8 बजे होंगे ना। आ जाएगा फोन, रिलैक्स। हेलो। हेलो पापा, कॉन्ग्रेचुलेशन, शादी की 25वीं सालगिरह बहुत 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 मुबारक हो। अरे वैशाली बेटा, कैसी हो तुम? समीर कैसा है? वी आर फाइन पापा, आप कैसे हैं? एब्सोल्युटली विद एंड फाइन। पापा मुझे फोन दो ना। हेलो दीदी। हाँ बोल। मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। आपने कहा था कि ये दिन हम सब साथ में मिलकर सेलिब्रेट करेंगे इंडिया में। हाँ अनु, मैंने वादा किया था। एक्चुअली बात यह कि डॉक्टर ने मुझे ट्रैवल करने से मना किया है। मना किया है? क्यों? Is everything okay? अरे नहीं बाबा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। एक खुशखबरी है, तू मौसी बनने वाली है। क्या? मैं मौसी बनने वाली हूँ? दीदी माँ बनने वाली है। दीदी फोन जीजू को दो। हाँ हाँ एक मिनट लीजिए, अपनी चहेती से बात कीजिए। बोलिए साली जी। जीजू, हद होती है पैसे कमाने की। इस हालत में तो दीदी को घर पे होना चाहिए और वो आपके साथ ऑफिस में काम कर रही है। हम तो इन्हें सिंहासन से नीचे ही ना उतरने दें, लेकिन क्या करें, इस मैडम का हमारे बिना घर में अकेले दिल ही नहीं लगता। इसलिए ऑफिस चली आती है। आप जरा समझाइए, डांटिए वाटिए इन्हें। मैं फोन देता हूँ इन्हें, लीजिए बात कीजिए। दीदी ये गलत बात है, यू मस्ट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। तुम चाहो तो मैं वहाँ आ जाऊँ। अरे नहीं बाबा, नो, तेरे जीजा जी है ना मेरा ख्याल रखने के लिए। यू जस्ट डोंट वरी अबाउट मी, ओके? हेलो दीदी, क्या हुआ? हेलो दीदी, आवाज नहीं आ रही है। हेलो, कुछ ब्लास्ट जैसा हुआ। क्या हुआ? अरे क्या हुआ? कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। क्या हुआ? हेलो दीदी, क्या हुआ दीदी? आज सुबह अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर की इमारत वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से 2 विमानों के टकरा जाने से सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो गई। सुबह 8:45 पर पहला विमान वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की इमारत से अचानक जा टकराया। इसके ठीक 3 मिनट बाद दूसरा विमान वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की दूसरी ओर जा टकराया। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
What tabassum? I just told you to concentrate. Do you understand? Sorry, ma'am. Better be sorry. And you? Kele theek dhang se pakadna seekho. Yes, ma'am. And concentrate, everybody. Let me concentrate also. जाएंगे तो वो साथ नहीं होगा हमारे। ओह गॉड, सो सैड। अब हम किसकी खिंचाई करेंगे यार? अरे वो कुड़की मक्खी जहाँ ये जाएगी ना वहाँ भिनभिनाता हुआ चलाएगा। हाँ, देखो ना, मैं उस पर मरती हूँ और वो दीवाना है इस अनुपमा का। वैसे जोड़ी बुरी नहीं इन दोनों की। सॉरी, दैट्स नॉट माय कप ऑफ टी। ओह माय गॉड, देन लेट अस नो व्हाट्स योर कप ऑफ टी। ये आंखें जिसे देखती है, ये दिल जिसे महसूस करता है, दुनिया की भीड़ में सबसे अलग है वो।
Get out of here, you dago. Go on, get your ass out of here. अरे अरे टीवी अरे यार, ये क्या किया तुमने? टीवी बंद। अभी आप मेरी बात सुनिए। मैं परसों 3 दिनों के लिए कॉलेज के आउटडोर असाइनमेंट के लिए जा रही हूँ। परसों? और वो भी 3 दिनों के लिए? अरे ये कैसे हो सकता है बेटा, मैंने किसी को खाने पर बुलाया है। तो पापा शौक से बुलाइए ना, मैं कहाँ घर का राशन लेके जा रही हूँ। अरे लेकिन बेटा वो तो मैं, अरे भाई समझाओ ना सुमित्रा इसे। अरे बेटा इनके दोस्त है नोबरा साहब, वो अपने बेटे के साथ यहाँ आ रहे हैं तुम्हें देखने के लिए। तो वेट अ मिनट, ये कोई शादीवादी का चक्कर नहीं है ना? देखिए मैं इस तमाशे के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। पापा मुझे अपना डिप्लोमा पूरा करना है, पूरी दुनिया भर में पेंटिंग्स की एग्जीबिशन करनी है। 8-10 साल तक तो मैं बिल्कुल फ्री नहीं हूँ। देयर इज नो चांस ऑफ मैरिज। वेरी गुड, उसके बाद शादी की नौबत ही नहीं आएगी, सीधी मेरी बारी। शौक से, वैसे भी क्रिएटिव लोग इन झंझट में नहीं पड़ते। अनु बेटा, मैं उन लोगों को बहुत दिनों से टाल रहा हूँ। और फिर बेटा मैं तेरी पसंद को अच्छी तरह जानता हूँ। अरे उस चुगत को तो तुम पहली नजर में रिजेक्ट कर दोगे। हैं पापा, ये चुगत का मतलब क्या होता है? चुगत का मतलब चपड़ गंजू, मेरा मतलब मोस्ट हैंडसम। चाहे चुगत हो या प्रिंस चार्मिंग, आई जस्ट डोंट वांट टू सी हिम। ये क्या कर रही हैं आप? How dare you? You're so handsome. I just got carried away. You dare not repeat it next time, okay? Okay. Gaurav, yes sir. You saw the attitude. You saw my work. You saw what I did. Yes sir. I want you to do exactly the same thing. Yes sir. Don't worry sir. I'll give you the best shot. Very good. Makeup, dada. Okay, we'll try a take. चलिए सब एक take try करेंगे. Be ready. Gaurav ready? Yeah, ready. Naina ready? Yes. Vijanda? Yes. Sound? Rolling. Camera? Action. Cut it. Gaurav, tera baap. Break everyone. डैड आप यहाँ क्या कर रहे हैं? इंद्रलोक की सभा देखने आया हूँ बेटे। तभी मैं कहूँ कि तुम्हारा घर आने को मन क्यों नहीं करता है। Come on, Dad, it's my profession, you know. Yes, it is. Very, very glamorous. Very glamorous. बेटे ये सब, ये काम, ये शौहरत, ये सब कुछ तो ठीक है, लेकिन उस आदमी का सब कुछ होकर भी कुछ नहीं हो सकता जिसका घर नहीं बना होता। Not again, Dad. No, I'm manic. I will repeat it again and again, बेटे। और एक बात कान खोल कर सुन लो, मैंने तुम्हारे लिए लड़की देख ली है और आज रात हम उसके घर डिनर पर जाने वाले हैं। क्या बात कर रहे हैं डैड? And that is final. No. Yes. No, Dad, no. आइए। नमस्कार। अरे भैया तकल्लुफ की क्या जरूरत? अरे क्या तकल्लुफ, खुशी का मौका है यार। नमस्ते। नमस्ते, नमस्ते। अरे भैया अनु कहाँ है? अनु जल्दी आओ। नमस्ते। नमस्ते बेटे। अर्पित, ये अनु है और ये है अर्पित। हाय अर्पित ओबेरॉय। आपका तो इतना नाम सुना है, आप खड़े क्यों हैं? आइए ना, आइए बैठिए, आइए। अरे तुम कहाँ जा रही हो? चलो हम इधर बैठते हैं। आओ आओ, आइए आइए आइए। ये मेरा छोटा भाई पट्टू। ओ हाय। आप तो कमाल है, अखबारों में, मैगजीन्स में, टीवी के हर चैनल पे, सब जगह अभी आप। शोहरत कमाने का ये तरीका भी खूब है जी। कौन सा तरीका? स्कैम। 360 करोड़ के घोटाले में आपका भी हाथ था ना? नहीं नहीं, आपको गलत फहमी हुई है, वो बुरे में कोई और ही है। यानी कि आप वो नहीं हो? नहीं। थक, यानी कि आप कोई ऐवा ही हो? ओ मैडम, हमारा भी बहुत नाम है, घर घर में पहुंचे हुए हम। अच्छा, क्या बेचते हैं आप? बेचते नहीं हैं, बिकवाते हैं। ओ, ब्रोकर है आप? जी नहीं, एडवर्टाइजिंग यानी विज्ञापन, हर चीज की नुमाइश ना हमारा हाथ है। अच्छा। अब ये देखिए, ये भी हमारा ही एड है।
How lovely it is, huh? छी, ऐसे चीप एड्स बनाते हैं आप? नंगी पुंगी? नहीं नहीं, अच्छी एड्स भी बनाते हैं। ये देखिए, ये हमारा एड है। कितना डिसेंट है? क्या दीदी? बकवास एड्स नहीं देखते। आप एकदम चुगत लगते हो। जी, चुगत क्या होता है? वो अरे खाना रेडी है, आ जाइए भाई आप लोग। खाना खा ले फिर बताती हूँ। चलिए चलो बट्टू। मैंने तो खाना खा लिया, मैं सोने जा रहा हूँ। गुड नाइट। खाना खाते हुए बातें कम कीजिए, खास करके जब खाना इतना अच्छा बना हो। You're right, mom. खाना वाकई में बहुत बढ़िया बना है। जी तो करता है कि खाना बनाने वाले का हाथ ही चूम लूं। गंगूबाई। होय मेम साहब, काय पाइजे? हाथ चूम लीजिए, खाना इन्होंने ही बनाया है। इसका मतलब खाना बनाने में आपका कोई हाथ नहीं है? है ना। पानी पीजिए। शो। वाह, क्या पानी! इनका हाथ लगते ही सारा टेस्ट चेंज हो गया। क्या बात है, कमाल! जी करता है सारा पानी पी जाऊं। क्या हुआ बेटे? पानी में कुछ मिला हुआ है। अरे, ये क्या हुआ? क्या मिला तुम्हें पानी में? कुछ नहीं मिला, मैंने तो ग्लास उठाकर सर। अरे तुम ठीक हो ना बेटे? डॉक्टर, डॉक्टर। अरे ऐसे बैठे क्या, उठिए, डॉक्टर को बुलाइए ना। हाँ हाँ, कहता हूँ अभी। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? अभी बुलाता हूँ, अभी बुलाता हूँ। क्या हुआ अंकल? अब डॉक्टर की जरूरत नहीं है, इनका हाथ लगते ही सब ठीक हो गया। अरे बड़ा मजा क्या है। तुम यहाँ? साथ चाय? हाँ, वो रख दो उधर। जी। वो कहाँ गई? तुम? हाँ, पेशर्मों की तरह नंगे क्यों खड़े हो? अरे क्या कर रही हो नंदी? खा लीजिए। नाश्ता है, खाना थोड़ी है। मॉर्निंग मॉम। गुड मॉर्निंग बेटा। मॉर्निंग डैड। गुड मॉर्निंग बेटे, आओ नाश्ता करो। फैंटास्टिक, नाश्ता किसने बनाया आज? मैंने। तुम किचन में भी? हाँ। इसीलिए नाश्ता इतना बढ़िया बना है। अब तो मैं तुम्हारे हाथ चूम ही लेता हूँ। ये क्या कर रहे हो अर्पित? किसका हाथ चूम रहे हो? पापा, अपनी जान का हाथ चूम रहा हूँ। अर्पित! अरे दीवाने हो गए हो, जरा देखो तो। सॉरी डैड, सॉरी मॉम। अब एक ही मुलाकात में ये हाल है कि जहां देखता हूँ वही वो नजर आती है। कौन? अनुपमा। ए, ए चलो देखा गया अपनी आइटम। हेलो आंटी। आंटी मैं अनुपमा बोल रही हूँ, कब से हॉर्न बजा रही हूँ, तबस्सुम नीचे क्यों नहीं आ रही है? वो तो कब से कॉलेज चली गई। चली गई? हाँ बेटा। ओके आंटी। चुरा के दिल मेरा दुनिया चली। अरे चली, अरे चली।
माशाल्लाह, इसका मतलब मोहतरमा के घर में देखने दिखाने की रस्म शुरू हो गई। अरे इसी बात का तो रोना है यार। मैं तुझे घर लेने गई थी और तू यहाँ। सॉरी यार, कुछ जरूरी काम था इसलिए चली आई। आज के बाद ना मैं तुझे कभी नहीं लेने आऊंगी। क्यों, क्या हुआ? तेरे कॉलोनी की वो टपोरी पता नहीं मुझे देख के क्या क्या रिमार्क्स पास करते हैं। वेट अ मिनट, वेट अ मिनट। पहली बात तो मैं ऐसी कॉलोनी में रहती नहीं जहाँ बदमाश और टपोरी रहते हैं। और दूसरी बात, हमें मिठाई खिलाने की जगह तू हमें ताने सुना रही है। मिठाई किस लिए? अर्पित ओबरॉय। तुझे किसने बताया? इसके लिए नहीं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो। हाय, दिस इज अर्पित। अर्पित, मैं इस वक्त कॉलेज में हूँ। मैं तुमसे 2 मिनट के लिए मिलना चाहता हूँ। शाम को ही सही? शाम को मैं जी, शाम को वो बिल्कुल फ्री है। आप कौन? मैं तबसुम, अनुपमा की बेस्ट फ्रेंड। आपकी जबरदस्त फैन हूँ। आई थिंक यू आर जीनियस। थैंक्स। तो क्या ये मुमकिन है कि हम लोग शाम की चाय साथ में पिए? अरे चाय क्या, आप तो डिनर का इंतजाम कर लीजिए। बस ये बताइए आना कहाँ है। ओके, तो फिर 4 बजे फिल्माला स्टूडियो। हिल जाए कोई फूल शाख पे खिल जाए, तेरी आंख से एक तारा टूटे, मेरी ख्वाब में आके मिल जाए, मेरे दिल को ताबिंदा कर दे, मेरी सांस चला जिंदा कर दे। क्यों तू तलक सन्नाटा है, क्यों तू तलक खामो है। मदहोशी है, मदहोशी है तेरी चाहत की, मदहोशी है। मदहोशी है, मदहोशी है तेरी चाहत की, मदहोशी है। मदहोशी है, मदहोशी है, मदहोशी है, मदहोशी। खोया हूँ मैं, आंखें हैं खुली सोया हूँ मैं, तेरी नजरों से एक जाम पिया,
पल में हजारों साल जिया, मसरूर है दिल, मखमूर है दिल, चाहत के नशे में चूर है दिल। तेरा हुस्न मेरा पैमाना है, तेरी चाह मेरी मनोशी है, मदहोशी है, मदहोशी है, तेरी चाहत की मदहोशी है, मदहोशी मरता हूँ, तेरे नाम का कलमा पढ़ता हूँ, तेरा नूर मेरी पेशानी पे, तेरे हुस्न को सजदा करता हूँ। कुछ खबर है कुछ बेखबर सा हूँ, कुछ होश है कुछ बेहोशी है, मदहोशी है, मदहोशी है, तेरी चाहत की मदहोशी है, मदहोशी मिस्टर अर्पित, मेरे ख्याल से आपने हमें नाश्ते पर बुलाया था, लेकिन यहाँ किसी कम वक्त ने हमें पानी तक नहीं पूछा। साहब, नाश्ता तो कब का तैयार है? कीजिए ना। नाश्ता रेडी है। देखो, मैं तो नहीं रुक सकती, इसलिए भी जा रही हूँ। ये क्या कह रही हो? Come on, go. नाश्ता। Well. Oh. वाह। वैसे आपके लिए सब काफी होगा। वो क्या है कि आजकल मैं डाइटिंग पे हूँ। वैसे अनु, ये छिपकली इसी तरह तुम्हारे साथ चिपकी रहती है क्या? नहीं तो क्यों? नहीं, ऐसे ही पूछ रहा था। अच्छा, कल क्या कर रही हो? कल अनु इस छिपकली के साथ आउटडोर असाइनमेंट पे जा रही है। पंचमणि समझे? चिंतामणि। चलो अनु। ओके। चिंतामणि? जल्दी करो सब लोग। हाँ, जल्दी उतरो। मेरा बोर्ड। बीबी जी आ गई। अनु, अरे बेटा क्या बात है, तुम दो तीन दिन बाद आने वाली थी। मामा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अरे अनु बेटा, सब खैरियत तो है बेटा? पापा, आई एम टू टायर्ड, मुझे रेस्ट करना है। ओके, गुड नाइट स्वीटहार्ट।
ये लो जी। आंटी आंटी हाँ ये अनु घर पर है क्या? हाँ वो तो कल ही आ गई। आ गए? हाँ। Thank God. ए चोमिया क्या आइटम है यार। हाय हाय हाय। What the hell do you think, officer? वहाँ बगैर किसी को बताया तुम यहाँ चली आई? वहाँ सबकी क्या हालत थी तुम्हें पता है? हम कितने परेशान हो रहे थे। हाँ एक मिनट तबस्सुम, देख वो तेरी कॉलोनी के टपोरी यहाँ तक आ गए। देख वो काले एक्शन के पास। कहाँ? वहाँ तो कोई भी नहीं है। तुझे देख के ना खिसक गए होंगे। अरे क्या अनु, चलो तुम दोनों नाश्ता कर लो। आंटी इसके दिमाग का इलाज करवाइए। ये कुछ भी देखती है, कुछ भी कहती है और कुछ भी करती है। अरे शी इज मैड, पागल है ये। इसे पूछिए कल बिना हमें बताए यहाँ क्यों चली आई। नहीं पूछिए। बताती हूँ तबस्सुम। नहीं मैं बताता हूँ वो क्या है ना आंटी, अनु जो है ना मुझे मिस कर रही थी, मेरे बिना रह नहीं सकती ना। Am I right अनु? आंटी अगर आपकी इजाजत हो ना तो मैं आपकी बेटी को एक घंटे के लिए ले जाऊं, ऑफिस लेके जाना चाहता हूँ। ओके चलो 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 चलो, इजाजत मिल गई, जल्दी करो जल्दी करो, चलो चलो चलो, कम कम कम, लेट्स गो। बाय आंटी। ओके बाय बाय। कंग्रेट्स। बस ऐसे ही कुछ जप्पी अपी दो यार, कम ऑन गिव मी अ हग। मुबारक हो। जानती हो अनु, हिंदुस्तान का मैं पहला एड फिल्म मेकर हूँ जिसे हॉलीवुड के सुपरस्टार्स के साथ एड बनाने के लिए चुना गया है। ये तो बहुत खुशी की बात है। अनु जानती हो ये तरक्की तुम्हारी देन है। तुमसे मिलते ही मुझे यकीन हो गया था कि तुम ही वो लड़की हो जो मेरी जिंदगी बदल दोगी। और उल्टा हो गया तो? किया है इश्क तो हर इम्तिहा से गुजरेंगे, तुम्हारे वास्ते हर इम्तिहा से गुजरेंगे। जाने मन इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के लिए मैं जा रहा हूँ अमेरिका और आप हमारे साथ चल रही हैं। अर्पित मैं कैसे चल सकती हूँ? हाँ बहुत सिंपल है, शादी कर लेते हैं, काम का काम और हनीमून का हनीमून। पंडित को फोन करूँ? अर्पित देखो मैं शादी के लिए बिल्कुल प्रिपेयर नहीं हूँ, मैंने तो इसके बारे में अभी सोचा भी नहीं है। रिलैक्स यार, मैं तो चांस ले रहा था। हाँ कह देती तो लाइफ बन जाती। एनीवे अगर शादी कितनी जल्दी नहीं है तो सगाई कर लें, रिंग सेरेमनी। ओके प्लीज हाँ कह दो यार। दैट्स ग्रेट। ये थैंक यू थैंक यू। मुबारक हो बेटा। सुनती हो क्या? Where is my revolver? है मेरे पास। दो। साथ लेके कैसे घूमूंगी? घर पे है। साथ चलता हूँ तुम्हारे। दे देना। मेरे घर? कैसे चलोगे तुम? मैंने घर पे किसी को नहीं बताया। देखो किसी को रिवॉल्वर के बारे में नहीं पता है। तुम जहाँ कहोगे मैं रिवॉल्वर पहुँचा दूंगी। तुम्हारे कॉम्प्लेक्स के पीछे वाडिया लेन है, खटाओ मेंशन, चौथा माला, सुबह तक पहुंचा देना। पहुंचा दूंगी। नहीं तो दोपहर को मैं पहुंचाऊंगा। आउट।
यहां से जा सकती है। तुमने जिनको मारा वो लोग कौन थे? It's none of your business. बता दूं पुलिस को कि उन लोगों को मारने वाला इस छत के नीचे रहता है? धमकी दे रही हो मुझे? पुलिस का बाप भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और जिन लोगों से हमदर्दी जता रही हो, मालूम है वो कौन थे? ISI एजेंट, बॉर्डर क्रॉस करके आए थे। 6 को तो मैंने मार गिराया और बाकी को मेरे साथियों ने, और आगे जितने भी आएंगे उनसे हम निपट लेंगे। हमारी ताकत का अंदाजा नहीं है उन्हें। कौन हो तुम? अमन, मेंबर ऑफ एंटी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, आतंकवाद विरोधी संगठन का एक सिपाही। दुनिया में फैले हर आतंक के खिलाफ लड़ रहे हम। निर्भय, निस्वार्थ, मिलिट्री, पुलिस, सियासत, इन सबको परे रखकर ये जंग लड़ रहे हैं, ताकि हमारे मकसद में कोई रुकावट ना बन सके। हमारे पास ताकत है, पैसा है, दिमाग है, हथियार है। हम अपने मुल्क को बचाएंगे, इस जुल्म को खत्म कर डालेंगे, ताकि इंसानियत का जीना मुश्किल ना हो। आज मेरी जिंदगी का सबसे सुनहरा दिन है। अमन से मिली हूँ मैं। पहली मुलाकात में तो मुझे लगा था कि वो कोई गुंडा या मवाली होगा, मगर वो तो मसीहा है। काश उस जैसी ऑर्गेनाइजेशन हर मुल्क में हो, ताकि दुनिया से आतंक का नामो निशान मिट जाए। हेलो। क्यों भाई, मेरे बारे में ही सोच रही थी ना? अमन? ये अमन कौन है भाई? हम अर्पित बोल रहे हैं। अर्पित, वो तुम्हारी आवाज ना बिल्कुल मेरे एक दोस्त से मिलती है। भाई आवाज मिलती है तो ठीक है, लेकिन तुम मिलोगी ना तो मुश्किल होगी जाने मन। खैर ये बताओ, हमें मिस विस कर रही हो कि नहीं? हाउस अमेरिका? तुम साथ नहीं हो ना, वरना इस शहर का मौसम ही कुछ और होता। अच्छा एक बात बताओ, सुबह से तो मैं 200 बार ट्राई कर चुका हूँ, तुम्हारा मोबाइल ऑफ क्यों आ रहा है? मोबाइल? अर्पित, मैं तुम्हें थोड़ी देर में फोन करती हूँ, आराम से बात करेंगे। अपना ख्याल रखना, ओके? बाय बाय। मोबाइल कहीं मैं अमन के हाथों नहीं भूल गई? पिछली बार कैप्टन अमन ने ISI के जिन एजेंट्स को मार गिराया था, उसके रिटेलिएशन में उन्होंने इस बार बहुत चालाकी से कई टुकड़ियां भेजी हैं, जो दिल्ली, कानपुर, बड़ौदा और मुंबई के लोकल लोगों को गुमराह करके बहुत बड़ी तबाही का प्रोग्राम बना रहे हैं। मुंबई के धारावी इलाके में इस जगह उन लोगों ने अपना एक हाइड आउट बनाया है, जिसका हमने पता लगा लिया है। कोई भी कांड करने से पहले हमें उन्हें पकड़ना होगा। इस मिशन की जिम्मेदारी कैप्टन अमन को दी जाती है। सर, मीटिंग इज ओवर। मोबाइल, मैं सुबह यहाँ भूल गई थी। मोबाइल छोड़ के गई यहाँ? तुमने कहीं और छोड़ा होगा। पास देखा अपना? सॉरी, वो मैंने सोचा था कि सुबह बंद किया था तो
यहाँ आने का बहाना बनाती हो? नहीं, अब मिल गया, चलो। ऑल द बेस्ट। किस लिए? तुम्हारे मिशन के लिए। Have faith. मैं कभी किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। आखिर तुम जैसे लोग होते ही हैं कितने, जो दूसरों के लिए अपनी जान दांव पे लगा दे। कॉफी पियोगी? तुम पिलाओगे तो जरूर पियूंगी। इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हो और बीड़ी पीते हो, यू कैन अफोर्ड अ सिगरेट? नहीं। क्यों, तनख्वाह नहीं मिलती? हम किसी तनख्वाह या पैसों की लालच में इस ऑर्गेनाइजेशन से नहीं जुड़े, ना ही हमें सोचते हैं कि हमें उसे क्या मिल रहा है। हमारा एक ही मकसद है कि हम इस ऑर्गेनाइजेशन को क्या दे रहे हैं। और जब मुझे बीड़ी से कोई तकलीफ नहीं, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? कड़ी बसु मोह मार गोरिया। भाई साहब, अच्छी सिगरेट है? अच्छी? देखिए बहन जी, वैसे तो सारी सिगरेट सेहत के लिए हानिकारक होती हैं, लेकिन लोग हैं कि फिर भी पीते हैं। वैसे आपको कौन सी सिगरेट चाहिए? ये वाली। आप इस सिगरेट का एक पैकेट महीने भर तक इस एड्रेस पे पहुंचा दीजिए। और सुनिए, बताइएगा नहीं कि किसने भिजवाई है। जी जरूर। कितने पैसे हुए? जी 7/21/01/2000। ये लीजिए। शुक्रिया। Beer on. All the very best, Steve. Great job. Thank you. Congratulations. लगता है तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन ने लोन पास कर दिया, इसलिए सिगरेट पी रहे हो। नहीं, फ्री का माल है। रोज सुबह एक लड़का आके एक पैकेट दे जाता है। जब मैंने पूछा किसने दी, तो जवाब नहीं दिया उसने। अब फ्री में मिलता है तो मेरे बाप का क्या जाता? Can you do me a favor? एक कप कॉफी बना दूंगी। श्योर। कॉफी रेडी। क्या कर रहे थे? कपड़े धो रहा था। खुद? हाँ, क्यों? नौकरानी नहीं रख सकते?
पहले भी कह चुका हूँ कि अपनी जात पर फिजूल पैसे खर्च करने के लिए मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं है। और भाई को 200-300 रुपए क्यों दो? हफ्ते में 3 घंटे निकालता हूँ और कपड़े धो डालता हूँ, काम का काम, वर्जिश की वर्जिश। इस मशीन को देखिए मैडम, इट इज द बेस्ट मशीन, एक्सलेंट परफॉर्मेंस। ठीक है, तो आप इस मशीन को इस एड्रेस पे पहुंचा दीजिए। ओके। किसी को गिफ्ट देना है तो आप बताइएगा नहीं कि किसने भिजवाई है। जैसा आप चाहें, समझ लीजिए ये तोहफा मिस्टर अमन के यहाँ पहुँच गया। मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। भगवान का शुक्र है कि तुम्हारे सारे काम अच्छे से हो गए हैं। अरे माँ, सब तुम्हारा आशीर्वाद है। कम इन। पहले ये बताओ कि वापस कब आ रहे हो। माँ, मेरा बस चले तो मैं अभी उड़कर आ जाऊँ। ये 12-13 दिन कैसे निकले हैं मुझे ही पता है। अरे वहाँ तो बहुत कमाल के नाइट क्लब्स हैं, कैसीनोज हैं। शाबाश, बहुत अच्छी सीख दे रहे अपने बच्चे को। अर्पित, खबरदार जो तूने इनकी बात मानी तो। नहीं नहीं मम्मा, ऐसी कोई बात नहीं है। अब आप मेरी बात गौर से सुनिए। देखिए, 2-3 रोज में यहाँ की फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो जाएंगी, फिर मैं वापस आ रहा हूँ। और आते ही मुझे लगन मंडप में बैठना है। आप लोग पंडित से मिलिए, मुहूर्त चलो निकलवाइए। आई कांट वेट एनी मोर। ठीक है बेटा, जैसा तुम चाहो। खुश। आई लव यू मम्मा, थैंक यू। अनुपमा बोल रही हूँ। तुम्हें यहाँ का नंबर कैसे मिला? मिस कॉल देके सेव कर लिया था। हूँ ना मैं स्मार्ट? दोबारा यहाँ कभी फोन मत करना। देखो अमन, फोन मत रखना। कल शाम की 2 टिकटें ली हैं। फन रिपब्लिक में फिल्म ब्लाइंड फेथ देखेंगे। 6 बजे मैं तुम्हारा थिएटर पे इंतजार करूंगी। ओके? बेकार के काम के लिए मेरे पास 6 मिनट भी नहीं है। शो 6 बजे का है। अगर तुम नहीं आए तो 6 दिन 6 महीने 6 साल मैं वहीं खड़ी रहूंगी। 6 जन्म तक खड़ी रहो। आई गेट अ डैम। मैडम, एक्स्ट्रा टिकट है? नहीं है। हेलो, मैं ये टिकट फाड़ने वाली थी। जानते हो टाइम कितना हुआ है? 7 बजे 7 बजे शुरू होगी। 15 मिनट बाकी है। अब चले। क्या हुआ? 1 मिनट। चलो। अच्छा, कोक पियेंगे? अरे कुछ तो पियो ना। चलो। हाय अनुपमा। Hi. Nice to see you. कौन सी फिल्म देखने आई हो? Blind Faith. ये तो कमाल की मूवी है। हॉलीवुड का तो जवाब ही नहीं है। और एक हम है वही घिसी पिटी लव स्टोरीज। तुम अकेली आई हो? Mrs. Resham, meet my friend, Aman. हमारी मंजिल तो आ गई। वैसे तो मौसम कॉफी का है, क्या ख्याल है? Sure.
like you. Come on. पिलाने के चक्कर में पीट की बैंड बच गई। अब आप कॉफी बनाइए भी और पिलाइए भी। देखिए कभी किसी से इश्क में निभा करके
करके देखिए मोहब्बतों में जिंदगी तबाह करके देखिए। यकीन मानो सुमित्रा, पंडित ने शादी का मुहूर्त इतनी जल्दी क्या निकाल दिया, इन्होंने तो खुशी के मारे अपने गले की चेन उतार के उसे दे दी। अरे तो घबराती क्यों हो, दहेज के सामान में चेन भी ऐड कर लेना। क्या दहेज लेगा तू? अंदर करवा दूंगा। अच्छा, अरे दहेज नहीं लेकिन लड़की तो देगा ना। भाभी हमारी बहू को बुलाइए जरा। और तू क्या हमें नाश्ते में टरकाएगा? अरे शैंपेन वैम्पेन हो जाए, गला हो जाए, हो जाए। अनु, अनु, अरे बेटा तुम अभी तक ऐसे ही बैठी हो, कहा तो था कोई अच्छे कपड़े पहन लो। मामा चलो अब ऐसे ठीक है। चलो बेटा, तुम्हारे सास ससुर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। चलो बच्चा। Cheers! ये लीजिए आपकी बहू। आओ अनु। बेटा मैं तुम्हें क्या बताऊं, अगर अर्पित का बस चले वो तो अमेरिका से ही दूल्हा बनकर आ जाए। क्या जादू कर दिया तुमने मेरे बेटे पे। पहले जिस काम के लिए आई हो वो तो कर लो। हाँ अनु, ये कुछ शादी के कार्ड्स हैं, सैंपल कार्ड्स, इनमें से जो अच्छा लगे चुन लो। अनु देखो तो, बहुत सुंदर है। अनु क्या बात है, तुम कहाँ खोई हुई हो? आंटी, कार्ड पसंद करने से ज्यादा जरूरी है हम उसे पसंद करें जिसके साथ हमें पूरी जिंदगी बितानी है। आई एम सॉरी, मैं अर्पित से शादी नहीं कर सकती। तुम होश में तो हो, जानती हो क्या कह रही हो? जी। क्या मतलब है तुम्हारा? अनु, दिमाग खराब हो गया इसका? ये कोई तमाशा हो रहा? अरे मना करने की कोई वजह तो हो? राजीव यार, शादी जिंदगी भर का मामला होता है, सोचा होगा उसने। नहीं विशाल। अरे रिलैक्स यार, बाद में इत्मीनान से बात करेंगे हम लोग। चलो नंदिनी, चलो जरा इन्हें। भाभी जी हम लोग चले जाएंगे। विशाल आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं मालूम था कि अनु ऐसी हरकत करेगी। कोई बात नहीं, मैंने तो कभी कोई बात नहीं राजीव, बाद में बात करते हैं। आओ नंदिनी। ये सब ऐसे अचानक हो जाएगा, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं अमन, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम पे कोई इल्जाम नहीं है, मैं जानती हूं कि तुमने कभी नहीं कहा कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत है, पर इट्स माय मैडनेस कि मैं पागल हूं तुम्हारे लिए। तुम ही बताओ अमन कि मैं क्या करूं। अनु, इस मामले में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता हूं। प्यार, जज्बात, रिश्ते, इन शब्दों की कोई अहमियत नहीं है। क्योंकि हमारा मकसद कुछ और ही है। मैं तुम्हें तुम्हारे मकसद से दूर नहीं करना चाहती। अपने आप को किसी और के साथ जोड़ने की हिम्मत नहीं है मुझमें। अमन प्लीज हेल्प मी। प्लीज। सॉरी अनु, आई कांट हेल्प यू। अमन, अमन, अमन मेरी बात सुनो। अमन, अमन टॉक टू मी। अमन किससे बात कर रही थी तू? अमन से। कौन अमन? दोस्त है मेरा, उसी से बात कर रही थी। अनु मैं पैरेलल लाइन से सुन रही थी, सिर्फ तुम बोल रही थी, सामने से कोई आवाज ही नहीं आ रही थी। क्या बात कर रही हैं आप? मैं अमन से बात कर रही थी और आप कह रही हैं कि दूसरी तरफ कोई था ही नहीं। यस अनु, तुम्हारी मम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ। क्या मतलब? हाँ सुमित्रा, मैं कल से बहुत परेशान थी, मैं तुम्हें बताना चाहती थी। क्या? ये कल मुझे थिएटर में किसी अमन नाम के दोस्त से मिलवा रही थी, लेकिन बिलीव मी वहाँ कोई नहीं था। व्हाट द हेल आर यू टॉकिंग अबाउट? आपको अमन की आवाज नहीं सुनाई दे रही? आपको वो दिखाई नहीं दे रहा?
पिछले 15 दिनों से मिल रही हूँ उससे। आप मिलना चाहती है उससे? मिलना चाहती है माँ? चलिए अरे अभी चलिए। अनु अनु चलिए। यहाँ यहाँ रहता है अमन, लेकिन यहाँ पे तो ताला लगा हुआ है। तो क्या हुआ? कुछ काम से बाहर नहीं जा सकता? जरूरी नहीं है वो हमेशा घर पर रहे। आपको आप लोग किसका इंतजार कर रहे हैं? वो जो अमन रहता है यहाँ पे, हम उसका वेट कर रहे हैं। अमन, आपको कोई गलत फहमी हुई है मैम साहब, यहाँ तो कोई नहीं रहता। क्या बकवास कर रही हो? पिछले 15 दिनों से मैं यहाँ हर रोज आ रही हूँ। कल रात को भी मैं आके गई हूँ, और कल जब बारिश हो रही थी, ये तो मालूम है ना मैम साहब। मैं बरसों से यहाँ काम करती हूँ, हमेशा ये फ्लैट तो बंद रहता है। विश्वास नहीं होता तो पहले माले पर नवरोज साहब से जाकर पूछो, जिसके पास इस फ्लैट की चाबी रहती है। हाँ। अनु, अनु मेरी बात सुनो, अनु रुक जाए। अनु, आप लोग मेरी बात का यकीन नहीं करते ना, अब सब मानेंगे। मैं दिखाती हूँ उस फ्लैट की एक एक चीज आपको दिखाती हूँ। कम ऑन, आई विल शो यू। सब कुछ वैसा ही था, किसी ने सब कुछ बदल दिया है सब कुछ किसी ने। अनु, इस जगह को देखकर तो ऐसे लगता है कि 9-10 महीने से फ्लैट खाली पड़ा है। झूठ बोल रही हैं आप। कल रात तक सब कुछ मैं यहाँ बैठा करती थी माँ। यहाँ उसका कंप्यूटर था, इस दीवार पर एक ब्लैक बोर्ड था, वहाँ उसका बिस्तर। यहाँ कल रात को माँ, मैं कल रात को यहाँ। होश में आओ अनु, अमन नहीं है, वरना इतने सारे लोग झूठ क्यों बोलेंगे? माँ, वो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है, बहुत बड़ा मिशन है उसका। He doesn't want to be exposed, माँ। उसे पता चल गया होगा कि हम लोग यहाँ आने वाले हैं, इसलिए चला गया होगा माँ। माँ वो है। आपको सबूत चाहिए ना अमन के होने का? सबूत चाहिए ना आपको? चलिए मैं देती हूँ सबूत आपको। अनु, अनु, ले जा रही हो मुझे। आइए आइए मेरे साथ। भाई साहब, आप मुझे पहचानते हैं? हाँ हाँ मैडम, आप तो वही है ना जो मैं महीने भर के सिगरेट को पैसे दे के गई थी। हाँ, आपने अमन को सिगरेट पहुँचाई ना? हाँ, वो तो मैं सुन लिया आपने। ये अमन को हर रोज एक पैकेट सिगरेट का पहुँचाता था। लेकिन आप मेरी बात तो सुनिए मैडम, वहाँ कोई होता तो मैं सिगरेट देता ना उसको। What? देखिए मैडम, 3-4 दिन मैंने लड़के को वहाँ सिगरेट लेकर भेजा, लेकिन वहाँ जाकर पता चला कि फ्लैट कई महीनों से बंद है। अब आपका तो कोई पता ठिकाना था नहीं, तो मैं आपको पैसे कहाँ से देता, बताइए। वाह, ये झूठ बोल रहा है, मेरे पास एक और सबूत है। चलिए आप चलिए। अरे रुक दो। देखिए मैडम, हमने वॉशिंग मशीन आपके बताए हुए एड्रेस पर ही पहुँचाई थी। एक नहीं, 2-3 बार हमारा आदमी वहाँ गया था, मगर पता चला वहाँ तो कोई रहता ही नहीं। ये देखिए, ये रही वॉशिंग मशीन, जो कि तू पड़ी है। झूठ, झूठ कह रहे हो तुम, झूठ कह रहे हो तुम सब। कोई क्यों झूठ बोलेगा अनु? ये मैं नहीं जानती, मैं इतना जानती हूँ कि अमन है और मैं उसे प्यार करती हूँ। I love him। बस, बस, बहुत बकवास कर ली तुमने और बात सुन ली हमने। Enough! अमन है या नहीं, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी शादी सिर्फ अर्पण से होगी और सिर्फ अर्पण से होगी। Do you understand? Thank you.
यस डॉक्टर। देखिए मिस्टर कॉल, ये जो हादसा अनुपमा के साथ हुआ है या फिर जो कुछ भी आपने मुझे अनुपमा के बारे में बताया है, उससे मुझे लगता है कि दिस इज अ केस ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। क्या मेंटल डिसऑर्डर? देखिए मेरा मशवरा है कि आप डॉक्टर प्रधान से मिल लें, इज अ बेस्ट साइकियाट्रिस्ट अराउंड। मिस्टर कॉल, क्या आपकी बेटी अपनी जिंदगी से खुश है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है उसकी जिंदगी में? जी नहीं, वो तो बहुत खुश रहने वाली लड़की, शी वॉज ऑलवेज वेरी हैप्पी, लेकिन कभी कभी डिस्टर्ब हो जाया करती थी। किस बात से? 11 सितंबर 2001 को वो अपनी बहन से हमारी शादी की सालगिरह पर बात कर रही थी, तभी बात करते वक्त वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का वो हादसा हो गया जिसमें हम अपनी बेटी और दामाद गंवा बैठे। लेकिन अनु उस हादसे को भुला नहीं सकी। उसके बाद जब भी कोई वायलेंस या खून खराबा या टेररिज्म से कनेक्टेड कोई भी एक्टिविटी के बारे में सुनती है या पढ़ती है तो कांप जाया करती है। I see. हो सकता है उस वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के हादसे ने उसके दिमाग पर बहुत ही गहरा असर छोड़ा है, उस खौफ से वो आजाद नहीं हुई है, अंदर ही अंदर वो उस डर से लड़ रही है, जूझ रही है, और इसी तकलीफ ने एक ख्याली तस्वीर को जन्म दिया है। वो वही करता है, वो वही बोलता है जो ये चाहती है। He is speaking her mind. और उसे उससे प्यार हो गया। अब जब कभी हम ऐसे किसी मरीज को यह समझाने की कोशिश करते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जो कुछ वो देख रहा है, महसूस कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो वो यकीन नहीं करता है, क्योंकि उस वक्त वो एक मेंटल डिसऑर्डर से गुजर रहा होता है, और इसी दिमागी बीमारी को हम कहते हैं स्किज़ोफ्रेनिया। हम सड़कों पर अक्सर कुछ ऐसे लोगों को देखा करते हैं जो हवा में हाथ फैला फैला कर चीख चीख कर किसी से बात कर रहे होते हैं। हमें तो वहां कोई नजर नहीं आता है, लेकिन ये लोग उस वक्त किसी न किसी के साथ इंटरैक्ट कर रहे होते हैं। अनुपमा, ये भी किसी अमन नाम के एक ख्याली चेहरे से इंटरैक्ट कर रही है। अब हम लोगों के लिए ये अमन नहीं है, लेकिन अनुपमा के लिए ये अमन है। अनुपमा को इस ख्याली दुनिया से बाहर लाना तकरीबन नामुमकिन है। उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश का अंजाम तो तुम देख ही चुके हो। अब वो कैसे ठीक होगी, वो कब सच और भ्रम के फर्क को महसूस करेगी, ये सारे ऐसे सवाल आते हैं जिनके जवाब साइंस नहीं दे सकती है। अनु, देखो तो कौन कौन आए हैं। हाय 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 बेबी, ये क्या, हम इतना बड़ा कारनामा करके आ रहे हैं और तुम यहाँ इस तरह आराम कर रही हो? आई हैव साइन द कॉन्ट्रैक्ट, चलो मुबारकबाद दो यार। मुबारक हो। वैसे तुमने आराम करने के लिए कौन सी जगह चुनी, हुआ क्या तुम्हें? हाँ मामा। हाँ बेटा, मुझे अर्पित से अकेले में बात करनी है। यस यू आर राइट, प्लीज एक्सक्यूज अस, आप लोग जरा बाहर आइए। आओ तो बस तुम। कहो अनु, क्या कहना है? अर्पित, इंसान जिंदगी में सिर्फ एक बार प्यार करे
ये जरूरी है क्या? नहीं तो, ऐसा तो किसी किताब किसी ग्रंथ में नहीं लिखा, फिर क्यों? मेरी जिंदगी में कोई और आ गया है अर्पित। एक सैलाब एक तूफान की तरह और बहा ले गया मुझे। दुनिया की भीड़ में सबसे अलग है वो। बहुत प्यार करती हूं मैं उससे। अनु, तुम्हें कोई चाहे ये तो बहुत ही मामूली सी बात है, मगर तुम किसी को इस तरह टूट कर चाहो बहुत बड़ी बात है। लेकिन सब कहते हैं कि अमन है ही नहीं। तुम ही सोचो, अगर वो नहीं होता तो मैं उससे प्यार कैसे करती? कोई मेरी बात का यकीन नहीं करता, कोई नहीं। मैं करता हूं ना, मैं मानता हूं तुम्हारा अमन है, वो है। थैंक्स अर्पित, थैंक्स। जिंदगी से भरपूर था ये कब्र, रंगों से उसे बेहद प्यार था, लेकिन किसे पता था कि उसकी जिंदगी ऐसी बेरंग हो जाए। से मिली हूं। पहली मुलाकात में तो मुझे लगा था कि वो कोई गुंडा या मवाली होगा, लेकिन वो तो मसीहा है। इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है, मगर बीड़ी पीता है। इन मुलाकातों में मैंने उसके घर का नंबर सेव कर लिया था, 2623-5251। उसके घर का नंबर सेव कर लिया था, 2623-5251। अनु इज नॉट मेंटली सिक। अमन कोई ख्याली चेहरा नहीं है, उसका वजूद है, वो है, और वो उसी फ्लैट में रहता है जिसका पता अनु ने बताया था। वरना अनु की डायरी में उस फ्लैट का एग्जैक्ट फोन नंबर कैसे होता? 2623-5251। एक मिनट, एक मिनट। सिर्फ टेलीफोन नंबर का मिल जाना ये अमन के होने का सबूत नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके ना होने के कई सबूत हैं हमारे पास। हो सकता है सबूत मिटा दिए गए हो, वरना उसके पास। एक मिनट बेटा, क्या नंबर बताया तुमने? जी 2623-5251। 2623-5251। 2623-5251। क्या हुआ? यस, याद आया। आज से तकरीबन 8-10 महीने पहले इस नंबर से मेरी बेटी के मोबाइल पर फोन करके कुछ लड़के उसे परेशान करते हैं, उठपटांग बातें करते हैं, और मैं आपसे ये कहने आया हूँ कि मैं उनकी पुलिस में कंप्लेंट करने वाला हूँ, फिर आप जानिए क्या होगा। अरे एक मिनट सर, एक मिनट। आप फ्लैट मारो नथी, मारो डैडी नवरोज आप फ्लैट को केयर टेकर छे। ओनर का कुछ गेस्ट इधर आया था, अरे ऐसा मजाक में आपकी बेटी को मोबाइल लगा हुएगा। लेकिन बाबा अभी तुमको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, वो सब लोग अमेरिका चला गया। जब वो कॉल साहब के साथ उस फ्लैट में गई, तब वो फ्लैट और वो फोन नंबर उसकी मेमोरी में सेव हो गया। उसके बाद उसने उस फ्लैट में अमन को देखा, महसूस किया।
मिस्टर अर्पित, इस बीमारी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि मरीज कभी ये मानता ही नहीं है, समझने की कोशिश भी नहीं करता है कि हकीकत क्या है। हाय बेबी, कैसी हो? अरे भाई, मैं अमन के घर से आ रहा हूं, जनाब वहां नहीं मिले, पर मैंने मैसेज छोड़ दिया है। ओके, वैसे उनके दूसरे ठिकाने का पता भी चल गया है। हाँ भाई, जहां दुनिया से छुपा के रखा था तुमने उसे, तुम्हारा बेडरूम। अब लीजिए, संभालिए अपने अमन को। चला कि अर्पित घर आया था, तुमने भेजा था। हाँ, वो तुमसे मिलने गया था। हवा को पकड़ना चाहता है। नहीं। कितनी बार और कैसे समझाओ कि मैं कोई आम आदमी नहीं हूं। 100 करोड़ की आबादी से 100 लोगों को चुना गया है, जिनमें से एक मैं हूं। हमारी शख्सियत, हमारा काम, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का सुराग फरिश्ते भी नहीं लगा सकते। बोल चुके तुम, अपनी ऑर्गेनाइजेशन, अपना काम, सिर्फ अपना। मैं क्या हूं अमन? कुछ नहीं। ऐसा करना था तो तुम मेरे नजदीक क्यों आए? क्यों अमन? मैंने तुम्हारे लिए अपनी लोग मुझे पागल कहते हैं, कहते हैं कि तुम हो ही नहीं। मैं सबके सवालों का जवाब देते देते थक चुकी हूं। नहीं है मुझ में हिम्मत। मुझे यहां से लेके जाओ अमन, मुझे यहां नहीं रहना। चलो। ऐसे गिर आप। ठीक है, तुम सो जाओ। अनु, अनु कहाँ जा रही हो बेटा? पास मत आना। इससे पहले कि कोई हमें रोकने की कोशिश करे, हम यहाँ से चले जाते हैं। अमन चलो, गिर जाओगी तुम। मैं अपने अमन के साथ जा रही हूँ। मिलना चाहती थी ना, मिलना चाहती थी। ये है अमन, मेरा अमन, मैं जा रही हूँ। तुम कहाँ जा रही हो? अनु रुक जा, चलो जल्दी। अरे अरे, कोई रोको मेरी बच्ची को। डॉक्टर, डॉक्टर, नर्स। अमन, सब लोग आ गए, मुझे जाना होगा। नहीं अमन, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। अमन नहीं, मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। अमन, I have to go. नहीं 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 अमन, नहीं अमन, 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 अमन,
Hi, Mr. Gibson. Hello. Hi. 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 Please be seated. Thanks very much. Mr. Arpit, everything is done. I have your visas, tickets, and arrangements. You'll be flying in with us the day after tomorrow with your complete unit. I'm sorry, Mr. Gibson. I will not be able to do this project. I have a situation to take care of, so... But you have to. We have everything arranged for you. I understand that, but I just can't finish this. One minute. Excuse us, please. Sir, ये आप क्या कर रहे हैं? सर, आपने इस इंटरनेशनल प्रोजेक्ट के लिए बरसों मेहनत की है. सर, किस एड फिल्म मेकर को ऐसा मौका मिलता है? नाम, शोहरत, पैसा, सब कुछ. सर, प्लीज डोंट लूज दिस अपॉर्चुनिटी. नकुल, मेरे लिए इस दुनिया में अनु से बढ़कर कोई चीज नहीं, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है. प्लीज कैंसिल दिस डील. आई एम सॉरी. आपके कहने के मुताबिक हमने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने की पूरी कोशिश की. उनका रिप्लाई है सर, अगर हम बैकआउट करेंगे वो लोग हमें सू कर देंगे. हमें इसका हर्जाना बहुत महंगा पड़ सकता है सर. उन्हें जो करना है वो कर लें. आई डोंट गिव अ डैम. लेकिन सर, मैं अनु को इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकता. यू मे लीव नाउ. तुम पर नाज करने को जी करता है बेटा, लेकिन इस परेशानी की वजह से तुमने बहुत गलत फैसला किया है. अनु का क्या होगा ये तो हमें मालूम नहीं, लेकिन उसकी वजह से तुम अपना करियर बर्बाद करो ये कहां की अकलबंदी है? तुम्हें अपना फैसला बदलना होगा बेटा. मैं अनु को इस तरह अकेले, वैसे तुम्हारे होते क्या कर लेंगे हम? अनु की मदद कोई नहीं कर सकता. अनु की मदद कोई नहीं कर सकता. सुमित्रा, रो मत. देखो, बात महीने डेढ़ महीने की है. तुम अपना काम खत्म करके आ जाओ. तब तक तुम्हारी अमानत को संभालने की पूरी कोशिश करेंगे हम. लेकिन माँ जी, माँ का है ना, तो माँ का कहना मानो. जाओगे ना? जाओगे ना? ठीक. डॉक्टर, हिसाब बराबर.
खुदा तूने मोहब्बत ये बनाई क्यों है, ए खुदा तूने मोहब्बत ये बनाई क्यों है। अंकल 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 मैंने अमन को देखा है। क्या क्या कह रहे हो? हाँ अंकल, आई मीन अमन की शक्ल वाले लड़के को देखा है, लेकिन वो बस में था और मैं ऑटो में थी। इससे पहले कि मैं ऑटो घुमाकर वहाँ तक पहुँचती वो जा चुका था। तो हमें ढूंढना चाहिए उसे। बिल्कुल हाँ अंकल, हमारे पास अमन के स्केचेस हैं। हम हर टीवी और अखबार में इश्तिहार दे देंगे कि शक्ल का जो भी लड़का है हमें आकर मिले। यस वी मस्ट फाइंड हिम। अनु मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, तुम मुझसे मिलने आती क्यों नहीं? कहाँ है मेरी बच्ची? डॉक्टर यू सेड टू मी। अब हम खुद परेशान हैं। हेलो, क्या अनु बेटा, अनु मेरी बच्ची यहाँ क्या कर रही बेटा? पापा इतने दिन हो गए अमन मुझसे मिलने नहीं आया, तो मैंने सोचा मैं उससे मिलूंगी, इसलिए मैं उसका वेट कर रही हूँ। अब मैं तुझे कैसे समझाऊं बेटा? चल बेटा चल। नहीं नहीं मुझे नहीं जाना। चलो नहीं। अरे उठा उसे। नहीं 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 जाना मुझे, नहीं जाना मुझे, नहीं जाना क्या दीवारापन है, क्या पागलपन है बेटा, क्या पागलपन? अमन पापा मुझे अमन के पास जाने दो प्लीज। अमन अमन अमन, अरे जिसे जिसके लिए जान देने पर तुली है उसे फिक्र है तेरी? वो तुझे छल रहा है बेटा। अरे जिसके लिए तूने अपनी कलाई काट ली उसे अगर तुझसे मोहब्बत होती तो तुझे साल में छोड़कर जाता। वो तेरी जिंदगी से खेल रहा है मेरी बच्ची। वो तुझसे प्यार नहीं करता बेटा। He doesn't love you. He doesn't love you बेटा। विश्वास करो। हाँ पापा, तुम ठीक कह रहे हो। अमन मुझसे प्यार नहीं करता। नहीं करता प्यार। He doesn't love me. He doesn't love me. अमन doesn't love me. Doesn't love me. नहीं प्यार करता। नहीं। आपकी बेटी को इस अस्पताल में आए हुए महीने भर से ज्यादा हो चुका है जी, और हमने उसे ठीक करने की हर मुमकिन कोशिश की है, लेकिन इस वक्त जो अनुपमा की दिमागी हालत है उस पर काबू पाना या उसे संभाल पाना हमारे बस के बाहर है। अनुपमा उस स्टेज पर पहुंच गई है जहां पर पहुंचकर वो कुछ भी कर सकती है। दवाओं का असर उस पर हो नहीं रहा क्योंकि जीने की ख्वाहिश उसने छोड़ दी है, और शौक बर्दाश्त करने की ताकत उसके शरीर में नहीं है। मिस्टर कौल, मेरे ख्याल में आपके पास सिर्फ दो ही ऑप्शंस हैं। एक तो आप अपनी जिम्मेदारी पर अनुपमा को घर ले जाएं, या फिर अगर आप उसे जिंदा देखना चाहते हैं तो उसे पागल खाने भेजने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। अमन नहीं है।
याद है कुछ दिन पहले मैंने आप सबसे कहा था कि मैंने बस में अमन जैसे लड़के को देखा है जिसे हमने ढूंढने की कोशिश भी की थी। ये वही है। इत्तेफाक कहो या कुदरत, वो चेहरा जो अनुपमा के इमेजिनेशंस में था, इसकी शक्ल हूबहू वैसी है। ये एक थिएटर एक्टर है, शोज करने पड़ते हैं, इसलिए किसी भी शहर में रुकता नहीं है। इसने वो इश्तिहार पढ़ा और अर्पित के ऑफिस वालों को कांटेक्ट किया। बस अब ये आप सबके सामने है। अनुपमा की डायरी पढ़ी है मैंने, जो इन्होंने मुझे दी थी। अब मैं अनुपमा से मिलूंगा। एक हकीकत, एक सच्चाई बनकर, शायद ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा परफॉर्मेंस होगा।
आप लोग ठीक से खड़े रहिए ना दीदी, इसमें तो रोल ही खत्म। अच्छा मुझे दे दो, मैं धुलवा लूंगी। थैंक यू। इसमें मेरी कुछ यादगार तस्वीरें हैं। भाई इजाजत हो तो हम लोग भी आ जाए। आइए 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 आइए। नमस्ते अंकल। नमस्ते आंटी। बैठिए। कैसी हो अनु? अच्छी हो राजीव? हम दोनों यहाँ बहुत जरूरी बात करने आए हैं। देख यार, अब भगवान की दया से सब कुछ ठीक ठाक हो गया है तो शादी में देर नहीं करनी चाहिए। अरे यार, मैं अनुपमा और अमन की बात कर रहा हूँ। यार लेकिन विशाल, समझ गया, अर्पित की बात कर रहा है ना तू? यकीन मान मेरे दोस्त, अगर अर्पित यहाँ होता ना तो उसका भी यही फैसला होता। और वैसे भी यार, अनुपमा के लिए अमन से बेहतर लड़का हो ही नहीं सकता। तुम खुश हो ना अमन? बोलो ना, आर यू हैप्पी? टाइम हो गया रोहित। अंकल आप निश्चिंत हो जाइए, बिल्कुल सब हो जाएगा ठीक। अरे भाई पंडित जी, कितना वक्त और लगेगा? बस 5 मिनट और लगेगा, तब तक आप दूल्हा दुल्हन को बुला लीजिए। ठीक है, बुला लेता हूँ। दुल्हन के जोड़े में कितनी सच रही हो तुम, चेहरा तो तमक रहा है तुम्हारा। ये खुशी अपने प्यार को पाने की है कामया। आज मैं हमेशा के लिए अमन की होने जा रही हूँ। बधाई हो मैडम, आपकी शादी की तस्वीरें खींचने आया था, आपका रोल धुल गया, सोचा आपको तस्वीरें दे दूं। थैंक यू। थैंक यू। ये तुम बाद में देखो, इत्मीनान से तैयार हो जाओ, फेरों की तैयारी हो चुकी है। कामया कंगन ऐसे ही पड़े कर कह रही हो, तैयार करो इसे। क्या है? अरे तुम यहाँ आओ भाई, मैं तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढ रहा हूँ। चलो सर। कहाँ? चलो, अमन कुछ बात करना चाहता है। अमन बात करना चाहता है? क्या बात करना चाहता है? बताता हूँ, चलो तो सर। अरे क्या बात है बेटा, तुम अभी तक तैयार नहीं हुए? बात क्या है बेटा, बताओ तो। कल आप लोगों के फैसले के सामने मैं कुछ नहीं कह सका, क्योंकि अनुपमा वहां पर थी, वो खुश थी और आप लोग भी खुश थे, लेकिन उसके बाद एक पल के लिए भी मैं चैन से नहीं जी सका। शादी सिर्फ एक रस्म ही नहीं है, इट्स अ कमिटमेंट ऑफ अ लाइफ टाइम, और मैं अनुपमा को अपनी सच्चाई बताए बिना शादी नहीं कर सकता। तुम्हारी सच्चाई तो हम जानते हैं बेटा, तुम तो एक कलाकार हो, लेकिन तुम हमारी बेटी के लिए अमन और हमारे लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं हो। मैं कोई कलाकार नहीं हूं, ना ही कोई फरिश्ता जिसने कोई चमत्कार किया। जो कुछ भी मैंने किया अनुपमा को बचाने के लिए किया, क्योंकि मैं अर्पित हूं। ये क्या कह रहे हो तुम? तुम अर्पित कैसे हो सकती हो? मेरा बेटा तो डैड, मैं किसी शूटिंग असाइनमेंट के लिए अमेरिका नहीं गया था, बल्कि यहीं अपनी चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी करवा रहा था।
भी कहने पर तबस्सुम ने आप लोगों के दिल में ये उम्मीद जगाई कि अमन की शक्ल का कोई लड़का है, ताकि मेरे लौटने का रास्ता आसान हो सके। उस वक्त पर जो मैंने सही समझा मैंने किया, लेकिन आज जो होने जा रहा है वो बिल्कुल गलत है। अनुपमा की जिंदगी की खातिर मैं अमन बनने को तैयार हूं, लेकिन उसे धोखे में रखकर शादी नहीं कर सकता, क्योंकि अनु अच्छा हुआ मैंने ये सब सुन लिया। तुम लोगों को आज भी लगता है मैं पागल हूं और मेरा अमन है ही नहीं। अनु, इतना सब सुनने और जानने के बाद अब भी तुम्हें लगता है कि अमन है? तुम्हें इसी पागलपन और जुनून से निकालने के लिए अर्पित को अमन बनना पड़ा। इसने अपना करियर, अपना वजूद सब दांव पर लगा दिया ताकि तुम जिंदा रह सको। अमन नहीं है अनुपमा, He does not exist. अमन है और आज उसके होने का सबूत है मेरे पास। तस्वीरें जो मैंने अपने अमन के साथ खिंचवाई थी। वाले का कर्म है अनु, जिसने तुम्हारी आंखें खोलने के लिए ये सबूत भिजवाया। अब तो यकीन करो कि अमन नहीं है। होता तो मैं सिगरेट देता ना उसको, मगर पता चला वहां तो कोई रहता ही नहीं। ये कुछ भी दिखती है, कुछ भी कहती है और कुछ भी करती है। ये कल मुझे थिएटर में किसी अमन नाम के दोस्त से मिलवा रही थी, लेकिन बिलीव मी वहाँ कोई नहीं था। अमन नहीं है, वरना इतने सारे लोग झूठ क्यों बोलेंगे? दोस्तों, मेरी एक पेशेंट मिस अनुपमा, जो एक बहुत ही भयानक दिमागी बीमारी से गुजर रही थी और जिस बीमारी को हमारी मेडिकल टर्म्स में सीवियर स्किज़ोफ्रेनिया कहा जाता है और जिसमें ठीक होने की उम्मीद चांसेस तकरीबन होते ही नहीं है, लेकिन आज वही लड़की बिल्कुल सही सलामत हम सबके बीच यहां मौजूद है। मिस अनुपमा, न जाने कैसी बीमारी है, कैसा पागलपन था जिसने मेरी जिंदगी में
सच और भ्रम के अंतर को बिल्कुल मिटा दिया। एक ख्याली चेहरा जो मुझे मौत की कगार तक छोड़ गया। शायद मैं मर जाती या पूरी जिंदगी किसी पागलखाने में गुजार देती, लेकिन मैं आप लोगों के सामने हूं सही सलामत। मेरे ठीक होने में मेरा कोई योगदान नहीं है। मेरी जिंदगी किसी के प्यार और बलिदान का नतीजा है, जिसने मुझे बचाने के लिए खुद को दांव पर लगा दिया। मेरे दुख को अपना दर्द समझने वाला, मुझसे बेपनाह मोहब्बत करने वाला वो शख्स मेरे सामने मौजूद है, अर्पित। औरतें अपने पति को अपना भगवान मानती हैं, और मैं वो खुशनसीब हूं जो अपने भगवान को अपना पति बनाने जा रही हूं। चलो ड्राइवर,